मेरा नाम डॉक्टर रवि शेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते हुए पेशेंट्स को एपनिया होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका वेट या तो ओवरवेट हैं या फिर उनके गले में थिकनेस ज़्यादा है, गला उनका नॉर्मल से ज़्यादा मोटा है या फिर शॉर्ट हाइट है प्लस ओवरवेट है। इन मरीजों में प्रॉब्लम मोस्टली ये होती है कि जब वो सोते हैं तो उनकी सांस घुटती है, सोते हुए चोकिंग सेंसेशन, स्नोरिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्योंकि उनको चोकिंग सेंसेशन होती है, साथ में एसोसिएटेड साइनसाइटिस भी हो सकता है, तो वो मोस्टली मुंह खोल के सांस लेते हैं। मुंह खोल के सांस लेने की वजह से गले में ड्राइनेस की शिकायत काफ़ी होती है। अब क्योंकि स्लीप एपनिया में रात को रिकरेंट ऑक्सीजन कम होती है तो वो उनकी नींद की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती, इस वजह से उनको दिन में काफ़ी नींद आती है। उनको महसूस होता है कि उन्होंने 6 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी की है, पर स्टिल सुबह उठ के या तो उनको हेडेक होती रहेगी या फिर वो दिन में कहीं पर भी जाएंगे, बाहर जाएंगे और अकेले बैठेंगे तो उनको झपकी आनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह की बीमारी का सबसे मेजर नुकसान ये होता है कि जो आपके बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी अनकंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं। स्लीप एपनिया से आपके हार्ट को और ब्रेन को भी काफ़ी रिस्क रहता है अगर आपको स्लीप एपनिया है तो, क्योंकि इसमें रात को रिकरेंट ऑक्सीजन कम होने की शिकायत होती है। अगर आपको स्लीप एपनिया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर आपको अर्ली मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, वेट रिडक्शन से आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या वेट रिडक्शन से तो मशीन की एक अलग टाइप की मशीन आती है जो आपके डिजीज़ को डायग्नोज करने के बाद लगाई जाती है, उससे डिजीज़ काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में रहती है। स्लीप एपनिया को हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना अर्ली डायग्नोज करें, जितना जल्दी कंट्रोल करें, उतना आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे अफेक्ट आना कम हो जाएगा। ये बहुत सीरियस बीमारी है लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड बीमारी है। इसको आपको पूरी तरह से फाइंड आउट करके अपने डॉक्टर से मिलके कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बाकी बीमारियाँ भी कंट्रोल में रहें। थैंक यू।